उधर अजरबैजान से तनाव के बीच आर्मेनिया के सैन्य अड्डे में आग लग गई, जिसमें 14 सैनिकों के जिंदा जलने की खबर आई है। इस मामले में आर्मेनिया की सेना के एक सीनियर अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया है। क्योंकि आर्मेनिया के पूर्वी हिस्से में हुआ ये अग्निकांड मामूली नहीं था। इसमें आर्मेनिया के 15 सैनिक जिंदा जल गए, 7 जख्मी हुए, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। इस मामले में आर्मेनिया की सरकार सख्त है। वहाँ के रक्षा मंत्री का कहना है कि आग स्टोव जलाते हुए लगी, यानी मामला लापरवाही का बना, जिसकी वजह से आर्मेनिया की सेना के एक बड़े सैनिक को बर्खास्त होना पड़ा। लेकिन जांच अब भी लगातार जारी है, क्योंकि दाल में काला हो सकता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है सैन्य अड्डे का पूर्वी आर्मेनिया में होना। क्योंकि पूर्वी आर्मेनिया का ये इलाका अजरबैजान की सीमा से लगता है, और नारगोनो काराबाग की वजह से आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग होती रहती है। 2020 में तो दोनों देशों ने 6 हफ्ते तक जंग भी लड़ी थी, और बाद में सैन्य समझौता होने के बाद जंग रुकी। लेकिन दुश्मनी की चिंगारी सुलगती रही, जो समय समय पर आग बनकर निकलती है, और इसी वजह से आर्मेनिया के सैन्य अड्डे में लगी आग की जांच हो रही है। क्योंकि हो सकता है कि आग लापरवाही से नहीं, बल्कि दुश्मन की किसी चाल की वजह से लगी हो। इधर सुप्रीम कोर्ट से जातिगत जनगणना के फैसले पर बिहार सरकार को राहत मिल गई। कोर्ट ने उन सभी 3 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिनमें इस फैसले को चुनौती दी गई थी, और याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने का सुझाव दिया। साथ ही इन PIL को पब्लिसिटी का जरिया बताते हुए फटकार भी लगाई। बिहार में 7 जनवरी से जातिगत जनगणना शुरू हुई है, जिससे जुड़ा नोटिफिकेशन पिछले साल जारी किया गया था, जिसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताते हुए चुनौती दी गई थी। इस बीच यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की सप्लाई पर रूस ने पश्चिमी देशों को धमकी दे डाली। खबर है कि आने वाले हफ्ते में अमेरिका यूक्रेन को जमीन से दागे जाने वाले स्मॉल डायमीटर बॉम्ब देने का ऐलान कर सकता है, और ये कोई पहली बार नहीं। इससे पहले भी अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश यूक्रेन की अपने 1 से 1 हथियार देकर मदद करते आए हैं। यही वजह है कि यूक्रेन जंग में मैदान में पुतिन की फौज के सामने उसी मजबूती से खड़ा है, जैसे 11 महीने पहले खड़ा था। ऐसे में पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पिस्कोव ने पश्चिमी देशों को धमकी दे डाली कि अगर वो यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार देंगे, तो रूसी फौज यूक्रेन पर हमले बढ़ा देगी। और उन्होंने ये भी साफ कहा कि अमेरिका या कोई भी नेटो देश यूक्रेन को कितने भी हथियार दे दे, रूस उन्हें नष्ट कर देगा। इसके बावजूद अमेरिका ने यूक्रेन की सेना की मदद बढ़ाने के लिए अपने एक एयरबेस पर बैठक की, और ये रणनीति तैयार की कि आगे किस तरह रूस के खिलाफ जेलेंस्की के सैनिकों को मदद पहुंचाते रहना है। लेकिन रूस भी इतनी आसानी से झुकने को तैयार नहीं। ये बात पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पिस्कोव के इस बयान से झलक गई, जिसमें उन्होंने कहा कि रूस को हराना नामुमकिन है। और ये बयान उन खबरों के सामने आने के बाद आया, जिसमें कहा गया कि अमेरिका बहुत जल्द यूक्रेन को जमीन से दागे जाने वाले स्मॉल डायमीटर बॉम्ब देने जा रहा है। इस हथियार के जरिए 160 किलोमीटर की रेंज में मौजूद दुश्मन पर हमला बोला जा सकता है। मतलब अगर ये बम यूक्रेन को मिल गया, तो आसानी से वो रूस को अपने निशाने पर लेकर भीषण तबाही मचा सकता है।